कोई हेल्थ का प्रोग्राम यहाँ पे नहीं है, लेकिन पहली बार भी आए यहाँ पर तो इनके बहुत शुक्र गुजार हूँ मैं। हमारे ये चैट भी आप आए, उन्होंने कैंप लगाया यहाँ पर दवाई लोगों के लिए, तो आप देख रहे हैं लोग बहुत आ रहे हैं, बड़ा चढ़ कर यहाँ पर दवाई दी है लोगों ने, इसके लिए सब सब की तरफ से मैं शुक्र गुजार हूँ। अजय साहब आज यहाँ पे 98 बटालियन CRPF की तरफ से मेडिकल कैंप का इनेकाद हुआ, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? हम बहुत खुश आमदीद कहते हैं कि बहुत अच्छा हुआ कि गरीब लोगों को यहाँ सहूलतें मैसर हुई, दवाइयाँ हुई। हम चाहते हैं कि आइंदा भी ऐसे कैंप होने चाहिए। हम बहुत मशहूर हैं CRPF, खास CRPF का और पुलिस का जो यहाँ चला रहे हैं इन कैंपों को, उनके हम बहुत मशहूर हैं। हम चाहते हैं कि आइंदा भी ऐसे कैंप हो जाए जिससे गरीब आवाम को फ़ायदा मिल जाए, कि आज जो गरीब यहाँ आ गए जिनके पास पैसा नहीं था, जिनके पास कुछ नहीं था, वो आ गए, उनको मुफ्त दवाइयाँ मिले, इसके लिए शुक्रिया। क्या पहली बार ऐसा कोई कैंप यहाँ? मेरे ख्याल मैंने आज पहली बार देखा है। मैं आज आया यहाँ, मुझे सुबह फ़ोन किया, गाँव में कोई होगा गरीब होगा जो भी होगा उस उनको बोलो, हमने सबको बोला चाहिए वहाँ आपको मुफ्त दवाई मिलेंगे, हम इसके लिए बहुत मशहूर हैं। कैंप का इनेकाद किया है, आप बहुत अरसे से समाज की सेवा कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे आज इस मौके पर? ये कोई नया एंडेवर नहीं था, एक्चुअली ये प्रोग्राम एक रेगुलर फीचर है हमारे यहाँ CRPF में, जिसमें हम लोग अपने एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में लगातार इस टाइप का प्रयास करते रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँच पाएँ और उनकी सहायता कर सकें, और लिहाजा आज हम लोग इसी उद्देश्य के साथ कशीरा में मेडिकल कैंप लगाए हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है यहाँ लोगों से, और मुझे लगता है कि जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं वो यहाँ पे बढ़ चढ़ के आए इस कैंप में और उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, और हमसे जितना बन पड़ रहा है हम लोगों ने पूरी कोशिश की है पूरी सहायता करने की। क्या सर ऐसे कैंप जो है मेडिकल कैंप्स वो फ्यूचर में भी हम लोग देखें कि यहाँ पे आप लोग करा रहे हैं जो कंडी इलाके हैं जो दूर दराज? जी बिल्कुल, ये एक ऐसी फीचर है जिसमें आज तो सिर्फ हमारे जैसे 7 कंपनियां होती हैं, आज पहली कंपनी से हम लोगों ने शुरुआत की है, इसके बाद अगला हमारा जांगली, और फिर इस टाइप से हर जगह पे हम लोग कैंप करते रहेंगे आने वाले 1 महीने में, और यहीं पे हमारा वो एफर्ट ख़त्म नहीं हो जाता है। मैंने सरपंच साहब को भी बताया है कि इसके अलावा हमारी 24/7 × 365 सालों भर एक हेल्पलाइन है CRPF मददगार के नाम पे, उस पर सभी ग्रामीणों को बताया गया है, गांव वालों को, कि अगर इसके अलावा भी किसी को किसी भी प्रकार की कोई ज़रूरत होती है, कोई रिक्वायरमेंट होती है, तो वो निसंकोच उस पर कॉल करें। और डॉक्टर साहब पिछले एक तकरीबन 15 दिनों से आप समाज सेवा कर रहे हैं, आप बहुत सारे कैंप्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे इसके? बिल्कुल, हम लोगों ने अभी तक लगभग 6 कैंप्स करे हैं पूरे कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और ये हम लोग कर रहे हैं सिविक एक्शन प्रोग्राम के अंदर। ये CRPF की तरफ से हर साल होता है,
और इससे एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बनता है लोकल पॉपुलेशन और हमारे बीच में, हमारी फोर्सेज के बीच में। क्या ऐसे प्रोग्राम फ्यूचर में भी रहेंगे सर? बिल्कुल, ऐसे प्रोग्राम हर साल हुआ करेंगे, बल्कि अब तो ऐसा हो रहा है सीआरपीएफ की एक मददगार भी एक है, उसके ऊपर भी अगर उन्हें किसी भी तरह की कोई ज़रूरत होती है किसी भी लोकल बंदे को, वो सीआरपीएफ मददगार पर फ़ोन कर अपनी हेल्प ले सकते हैं।